नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ईश्वर ने, परमात्मा ने, उस माता रानी ने, खुदा ने हमें गजब की शक्ति दी है। हमारा आज्ञा चक्र, हमारा कलेक्टिव माइंड, इसको आप जो भी आज्ञा देते हो उस आज्ञा को पूरी करता है, आपकी सोच को पूरा करता है। हम आज्ञा दे सकते हैं, पर हमारा मन बहुत सी गलत शक्तियों को रिसीव करता है और गलत शक्तियां कलेक्टिव माइंड में जाकर के आज्ञा चक्र में गलत आदेश दे देती हैं। आप आज जो कुछ भी हो, अच्छे हो तो अच्छे संस्कारों के कारण, अच्छे विचारों के कारण, पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों के कारण। अगर सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो फिर भी आप ही जिम्मेदार हो। आपको पहले एक बार, हमारी दो बार चर्चा हो चुकी है कि पास्ट लाइफ के कर्म को हम प्रसूति साधना से, ध्यान साधना से उनका समाधान कर सकते हैं। अभी जो हम अपने कर्मों को संचित कर रहे हैं, उन अच्छे कर्मों को संचित करें और हमेशा ही प्रेजेंट में रह के सोचें। पास्ट आपके वश का नहीं, फ्यूचर भी आपके वश का नहीं, प्रेजेंट हमारा है। तो प्रेजेंट इसी से शुरू करें, जो मैं अभी कह रहा हूं उसको ध्यान से सुने, प्रेजेंट मेरे साथ रहें। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपका जो कंप्लेंटिंग नेचर है, शिकायत करने का ढंग है, हर टाइम शिकायत करना, अल्लाह से, खुदा से, भगवान से, गुरु से, माँ से, पिता से, टीचर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से शिकायत करना, वो आपको डाउन कर देता है। जैसे जैसे आप शुक्रिया करते हो, थैंक्स करते हो, वो परमपिता परमात्मा, वो यूनिवर्स की ताकत आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। आज जैसे ही सुबह उठे तो शुक्रिया उस परमपिता खुदा का, परमात्मा का, माता रानी का, भगवान का कि मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं। पता नहीं कितने लोगों ने सांस ली होगी कि नहीं ली होगी। हे ईश्वर, हे भगवान, शुक्रिया मैं आंखों से देख पा रहा हूं। कितने लोग आंखों से नहीं देख पा रहे। मैं तंदुरुस्त हूं, उसका शुक्रिया। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों को ऐसी बीमारी हो गई जिनका कोई इलाज नहीं है। हे भगवान, मैं, मेरे पे तो बड़ी कृपा आपकी। शुक्रिया आपके माता पिता आपके साथ हैं। शुक्रिया आप परिवार के साथ हो। शुक्रिया, उसका धन्यवाद आपने खाना खाया। उसका धन्यवाद आप अपने ऑफिस में आराम से बैठे हो। उसका धन्यवाद आपको नौकरी मिली हुई है। उसका धन्यवाद कि आपको अच्छे दोस्त मिले हुए हैं। दोस्तों, जैसे धन्यवाद करना शुरू करोगे ना, तो आप देखते, जब सूक्ष्म रूप से गहराई में जाके धन्यवाद करोगे तो लास्ट में ना फिर वो परमात्मा आएगा, ईश्वर आएगा कि उसका धन्यवाद करें। आपको महसूस हो जाएगा कि उसी की कृपा से ही सारा कुछ हो रहा है। घी का दिया जलाएं, तेल का दिया जलाएं, ये सदा ही आपको कहता हूं, और जो रोशनी है उसको बंद कर लें, लाइट को मतलब बंद कर लें, दिए की रोशनी रहे। कोशिश करें रूम में कोई अच्छी अगरबत्ती, अच्छी धूप जला लें और अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र का जाप करते 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 करते
अपने इष्ट के चरणों में खो जाएं। जैसे इष्ट के चरणों में चले जाएं, फिर उनसे अपनी बात करें। आप पहुंच गए ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में। जो भी आपकी चाहत है, जो आपका संकल्प है, वो भगवान ने, माता रानी ने पूरा कर दिया, मां ने पूरा कर दिया। एंजॉय करें उसको, शुक्रिया करें। अपने छोटे संकल्प रखें, अपने बड़े संकल्प रखें। अभी 2021 शुरू हो रहा है, 2021, उसके लिए बड़ा संकल्प बना के रखें। भगवान ईश्वर कृपा करें, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों।